हे गाइस, मैं राजा यादव। जैसा कि पहले हमने अभी तक इंसर्ट टैब में हमने पिछले पिछले वीडियो में टेबल्स ग्रुप के बारे में पढ़ा था, टेबल्स ग्रुप कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे के ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है वो इलस्ट्रेशन ग्रुप है, और इलस्ट्रेशन ग्रुप में 5 कमांड्स पाई जाती हैं, जिसमें पहली कमांड है हमारी पिक्चर्स, दूसरी कमांड है हमारी क्लिप आर्ट्स, और तीसरी कमांड है हमारी शेप्स। हम इन तीनों के बारे में ही बस अभी जान रहे हैं इस वीडियो में। जैसे पहली कमांड है हमारी पिक्चर। पिक्चर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं? पिक्चर में हम क्रॉप करना, रिकलर करना, रिसाइज करना, और पिक्चर की साइज को रिसाइज करना, पिक्चर पे शेप देना, अलग शेप पे बनाना, पिक्चर पे शेडो देना, ये सारी चीजें हम पिक्चर्स ग्रुप में सीखने वाले हैं। और क्लिप आर्ट जो ग्रुप है, क्लिप आर्ट ग्रुप में एनिमेशन की पिक्चर्स लाना, शेप के माध्यम से लोगो बनाना, सर्टिफिकेट बनाना, आईडी कार्ड क्रिएट करना, लेटर तैयार करना, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि हमारा ये टोटल लगभग 24 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें ये सारी चीजें हम सीखेंगे। सबसे पहले हम पिक्चर कमांड पे क्लिक करते हैं। जैसे डबल क्लिक करेंगे पिक्चर कमांड पे, तो जो हमने इमेज अपनी फोटो को कंप्यूटर की गैलरी पे रखा है, यानी कि जैसे मैंने डेस्कटॉप पे, यहाँ से देखते हैं मिनिमाइज करके, ये डेस्कटॉप पे मैंने इमेज को यहाँ जीएस नाम से बना के रखा हुआ है। तो अब हम जाएंगे मैं ऑफिस वर्ड के पेज पे, और यहाँ पिक्चर पे डबल क्लिक करेंगे और ये गैलरी खुलेगी। डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे और जीएस नाम का फोल्डर है, या यहाँ से स्क्रॉल करके भी हम ढूंढ सकते हैं अपनी पिक्चर को। जैसे ये हमने ढूंढा, ये जीएच दिख रही है। दूसरा, हम यहाँ से जीएच लिख के भी सर्च कर सकते हैं, और इस पर क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो ये इमेज हमारे डॉक्यूमेंट्स पेज के ऊपर आ जाएगी। अब इस इमेज को देखेंगे हम, जैसे इस इमेज पे हमने क्लिक किया है और ये इमेज हमारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आई, तो देखिए फॉर्मेट टैब ऑटोमेटिक जो है एक्टिव हो गया। अब इस इमेज को देखिए हम क्या क्या कर सकते हैं फॉर्मेट टैब के अंदर। पहले तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स बने हुए हैं, इनको हम लेफ्ट साइड के माउस को पॉइंटर दबा कर और यहाँ पे जैसे ही ड्रैग करेंगे तो ये हमारी इमेज क्या होगी, छोटी होगी। और दूसरा, हम इस इमेज को एक जगह से पेज में किसी दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, तो ये इमेज अभी हमारी नहीं जा रही है। क्या जा रही है? नहीं जा रही है, पर हम इस इमेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको यहाँ पे टेक्स्ट वार्पिंग का सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट वार्पिंग। टेक्स्ट वार्पिंग पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे थ्रो का ऑप्शन, थ्रो पे जैसे ही क्लिक करते हैं हम, उसके बाद अब आप इमेज को आसानी से पकड़ के कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाके रख सकते हैं। अब इमेज को हम थोड़ा सा क्या करेंगे, छोटा करेंगे, ये इमेज हमारी छोटी हो गई। अब यहाँ पे देखेंगे कि इस इमेज में इस जो फॉर्मेट टैब है, इसमें सबसे पहली कमांड है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस से क्या होता है, जैसे हमारी इमेज में अगर ब्राइटनेस की कमी है तो हम ब्राइटनेस पे क्लिक करेंगे और ब्राइटनेस को हम जितना बढ़ाना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, या ब्राइटनेस ज़्यादा है तो उसे कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने ब्राइटनेस बढ़ाई या घटाई है तो उसके साथ कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल करते हैं बढ़ाने के या घटाने के लिए, इससे इमेज और बेहतर हमारी बनती है। इसके अलावा फिर हम जाते हैं रिकलर में। रिकलर पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ देखिए कई सारे अलग अलग हमको कलर दिखाई पड़ रहे हैं, और उन पे जैसे ही हम टच कर रहे हैं तो हमारी इमेज का कलर क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक बदल रहा है। फिर देन उसके बाद हमको नेक्स्ट कमांड मिलती है कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर का मतलब होता है पिक्चर की साइज को कम करना। जैसे ही कंप्रेस पिक्चर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमको ऑप्शन ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऑप्शन में क्लिक करने के बाद देखिए सबसे पहला हमें मिल रहा है प्रिंट 220 ppi, दूसरा है स्क्रीन 150 ppi, ईमेल 96 ppi, यानी ये साइज है, हम जिस साइज पे करना चाहें उस साइज पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे स्क्रीन पे करना चाह रहे हैं तो क्लिक करके ओके करेंगे और फिर से ओके करेंगे तो इमेज हमारी क्या होगी, यानी इसकी साइज जो है वो कम हो जाती है ऑटोमेटिक। फिर उसके बाद चेंज पिक्चर का ऑप्शन है। चेंज पिक्चर का मतलब है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमको पिक्चर को बदलने का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, अगर हम इमेज को बदलना चाहते हैं, पर हम इमेज को बदल नहीं रहे हैं।
उसके बाद रीसेट पिक्चर, यानी पिक्चर में जितनी भी फॉर्मेटिंग हमने लगाई यानी जो भी बदलाव किया वो सब कुछ बदल जाएगा, रीसेट पे करेंगे तो पहले जैसी हो जाएगी, जैसा हमने इमेज को शुरू में लाया, तो हमने उसमें कोई किसी तरह का बदलाव तो किया नहीं है, तो एज इट इज है। उसके बाद हमें सेकेंड ग्रुप मिलता है इसमें पिक्चर स्टाइल। पिक्चर स्टाइल में जो ये हमारी इमेज है इसकी स्टाइल चेंज हो जाती है। इसकी स्टाइल कैसे चेंज होगी, जैसे ये अलग अलग हमको देखिए अलग अलग स्टाइल्स दी हुई हैं यहाँ पे, इन स्टाइल्स में हम इमेज को बदल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पिक्चर शेप का ऑप्शन है, इन शेप के माध्यम से हम बिल्कुल अपने इमेज को इन शेप में डाल सकते हैं। जैसे ये शेप है उसके अकॉर्डिंग ये शेप में बदल जाएंगी पिक्चर्स, जैसे जैसे जिन जिन शेप पे हम क्लिक करते जाएंगे उस शेप के अकॉर्डिंग ये पूरी पिक्चर्स हमारी बदलती जाती हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर हम इनको बदलना चाहते हैं अपनी पिक्चर की इमेज के शेप के माध्यम से तो ये बदल सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमने ये इमेज चूज की, नीचे आते हैं मिलता है हमें पिक्चर बॉर्डर। अब पिक्चर बॉर्डर किस चीज के लिए होता है, जैसे पिक्चर बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो बॉर्डर पहले समझते हैं, जो ये इमेज के चारों तरफ ये लाइन होती है ये हमारे बॉर्डर होती है, यानी इसको हम अगर इसको कलर वाइज बदलना चाहते हैं तो यहाँ कई सारे हमको कलर मिल जाते हैं, और इन कलर पे हम जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे अलग अलग कलर हमको मिलते जाएंगे अपने पिक्चर के बॉर्डर के लिए। और अगर बॉर्डर को हटाना है तो नो आउटलाइन कर देंगे तो बॉर्डर हट जाएगा। मोर कलर पे जाएंगे यानी और ढेर सारे आपको यहाँ से कलर मिल जाते हैं। इसके अलावा जो इसकी बॉर्डर लाइन है इसको मोटा या पतला करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमको मोटा पतला करने का भी ऑप्शन मिलता है। मोर लाइन पे जाएंगे तो और भी ज्यादा मिलेगा, डैशेस लाइन मिल जाती है, इन डैशेस लाइन के माध्यम से भी हम अपने बॉर्डर को जो है डैशेस बॉर्डर दे सकते हैं। अलग अलग प्रकार के बॉर्डर है, मोर बॉर्डर मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। उसके बाद पिक्चर इफेक्ट्स मिल जाता है, पिक्चर इस पे इफेक्ट्स में जो है प्रीशेट सबसे पहले मिलता है। प्रीशेट में मतलब हम पिक्चर को जैसे हमको ये शेप बने बनाए दिख रहे हैं प्रीशेट के माध्यम से हम उस तरह से अपनी इमेज को बदल सकते हैं, एक अलग वे पे रख सकते हैं पिक्चर को। इसके पास शेडो वाली पिक्चर्स हम इसमें सेट कर सकते हैं, शेडो का मतलब होता है परछाई, जिसमें हल्की परछाई दिखेगी इमेज की। उसके बाद शेडो के बाद जाते हैं रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट में जो है तो रिफ्लेक्ट इमेज दिखेगी, ये नीचे आप जाके देख सकते हैं। इस पे जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये नीचे रिफ्लेक्ट शो हो रहा है इसका, इसी इमेज का। इसके बाद नेक्स्ट हमको मिलता है ग्रुप अरेंज। अरेंज में मिलता है सबसे पहली कमांड हमें पोजीशन। अब पोजीशन से क्या होता है, जैसे ही हम पोजीशन पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमको यहाँ अलग अलग पोजीशन, इमेज की पोजीशन को बदलने का ऑप्शन ये दिख रहा, यानी हम जिसमें भी क्लिक कर देंगे वो उस पोजीशन में इमेज को ले जाके सेट कर देगा अपने अकॉर्डिंग, जैसे इसमें पोजीशन बनी हुई है। और जैसे मैंने पहले शुरू में ही आपको बता दिया है कि अगर हम अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते कि हमको किस जगह पे रखना तो उसके लिए टेक्स्ट वॉर्पिंग का ऑप्शन है और थ्रो है, थ्रो पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद इमेज को हम कहीं भी उठा के ऑटोमेटिक अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे मिलता है सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसके लिए हमको इस इमेज को हटाना पड़ेगा सबसे पहले, और हमें जाना पड़ेगा इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद हमको लेना पड़ेगा सेप, तो ये हमने सेप ले लिया और ये हमने एक सेप जैसे ही ड्रैग कर दिया। अब इस सेप को ड्रैग करने के बाद हमने क्या कर दिया, कलर फिल कर दिया इसके अंदर। अब हम कोई इमेज ले आते हैं, जैसे ये इमेज है हमारी, जैसे जो इमेज हमने लाया था, तो पिक्चर में जाएंगे दोबारा से और फिर से डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे, जो हमारी इमेज थी उस इमेज को ले आते हैं हम। इस बार हम दूसरी इमेज ले लेते हैं, ये हमने इमेज ली, इंसर्ट पे क्लिक किया। अब ये इमेज देखिए दोस्तों, ये दिख नहीं रही है इसके ऊपर और ये आ भी नहीं रही है इसके बीचों बीच, हम बीचों बीच रखना चाहते हैं आप, तो क्या करेंगे, हम इस इमेज पे क्लिक करेंगे और पहले तो हम कर लेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लिया तो ये इमेज हमारे ऊपर आ गई इसके, और ये हमने इसको बीचों बीच कर लिया और इस इमेज को हमने सेट कर दिया। ठीक है, पर अगर हमको ये लगता है कि ये जो पीछे कलर वाला था ये पीछे कलर में चला गया है, पीछे इसके बैकग्राउंड में, और इसको हम ऊपर लाना चाहते हैं तो ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे इस पर क्लिक करके तो ये ऊपर ही आ जाएगा और इमेज पीछे चली जाएगी। सेंड टू बैक करेंगे तो ये पीछे चला जाएगा और इमेज ऊपर आ जाएगी। ये समझ गए होंगे आप। अब देखेंगे इसमें एलिगेंट का मतलब क्या होता है। एलिगेंट का मतलब होता है लिफ्ट में करना, सेंटर में करना, एलिगेंट राइट करना, यानी अगर इमेज पे क्लिक करके करेंगे ज्यादा समझ में आएगा। इसको हम मतलब रोटेट कर सकते, मिडिल में रखेंगे मिडिल में चली जाएगी, सेंटर में रखेंगे सेंटर में आ जाएगी,
ऐसे टॉप पे करेंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगी, ये होता है एलिगेंट। इसके बाद देखिए रोटेट को भी ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, रोटेट यानी हम इसको डिग्री वाइज रोटेट कर सकते हैं, वर्टिकल, फ्लिप, हॉरिजेंटल और मोर रोटेट का ऑप्शन इसमें दिया गया है। इसके साथ ही साथ इस पे एक ऑप्शन और मिलता है हमें जो कि है वो ग्रुप, और ग्रुप जो है यहाँ पे अभी देखिए हाईलाइट नहीं किया गया। अब हाईलाइट, ग्रुप को हाईलाइट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम पहले जैसे ये देखिए हम इमेज को ले जा रहे हैं ना, तो इमेज जो है तो ये एक जगह अकेले जा रही है, तो हम जैसे इमेज को सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल की बटन को दबा के इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे इमेज को हटा देते हैं, इमेज में नहीं आएगा ये हमने एक शेप लेके रखा था, एक शेप और ले लेते हैं हम, इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे जाने के बाद शेप पे गए, शेप पे क्लिक किया और अब ड्रैग किया इस शेप को। अब देखिए इस शेप को मैं उठा के रख रहा हूँ तो ये अकेले जा रहा, हम चाहते हैं कि जब हम ये शेप को उठाएं तो ये बगल वाला भी शेप इसके साथ ही चले, मतलब इनका ग्रुप बना ले, तो हम पहले इस पे क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का माउस को पॉइंटर जो है दबा के रखेंगे और कंट्रोल की बटन को, और इसको क्या करेंगे क्लिक करेंगे, ये क्लिक हुआ, ये दोनों सेलेक्ट हो गए। अब हम क्या करेंगे, ग्रुप देखिए हाईलाइट हो गया, क्लिक करेंगे और इसको ग्रुपिंग में तब्दील कर देंगे। अब पकड़ के देखिए आप ले जाइए, दोनों एक साथ जाएंगे, ये होता है इस पे ग्रुप। इन दोनों को अब हटा देते हैं, ग्रुप समझ गए होंगे आप। हम फिर से इमेज को ले आते हैं, इंसर्ट पे जाएंगे, पिक्चर कमांड पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे इमेज रखी हुई है और सेलेक्ट करके नीचे जाएंगे और अपनी इमेज को फिर से हम ले आएंगे, ये जीएच वाली इमेज लेके आए हैं हम। अब देखिए इसमें एक ऑप्शन मिलता है हमको क्रॉप, देखिए क्रॉप का काम क्या होता है, जैसे ये हमारी इमेज है, इस इमेज पे आप देखेंगे कि जो बुक है ये बुक बस को हम क्रॉप करना चाहते हैं, बाकी के एरिया को अगल बगल जो भी एरिया है इसका सबको हटा देना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम क्रॉप कमांड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमको बन के आ जाते हैं, ये देखिए आप इसको पकड़ के लेफ्ट साइड के माउस को पॉइंटर दबा के रखिए और इसको ड्रैग कर लीजिए ये, इसके बाद ऐसे इसको इधर से भी करेंगे, ऐसे हम नीचे साइड से भी इसको करेंगे, ये देखिए अब हमारी इमेज एक प्रॉपर वे पे हमें मिल चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज को हमने क्रॉप कर दिया है पूरी इमेज को, और इमेज हमारी एक बेहतर फॉर्मेट में मिल गई है। अब ये तो बात हो गई इमेज को क्रॉप करने की, अब यहाँ पे देखिए हाइट और वेट, मतलब इसकी भी साइज को हम बदलना चाहते हैं, तो क्या करेंगे हम हाइट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से जितना ज्यादा या कम करना चाहते हैं, छोटी करना चाहते हैं, जैसे हमने दो किया हाइट इसकी और भी कम कर दी हमने एक किए, तो ये देखिए हमारी इमेज इतनी छोटी हो गई। अगर इसी को बढ़ाना होता तो हाइट में जाके देखिए हमने 5 किया और हमने यहाँ पे 4 कर दिया, अब देखिए आप यहाँ पे इमेज क्या हो गई हमारी बड़ी हो गई, यानी हम इमेज को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं पिक्चर ग्रुप के माध्यम से। अब इसके बाद ये फॉर्मेट टैब में हमने पिक्चर के बारे में सीखा, ये पिक्चर में हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे पिक्चर में हम ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, रिकलर कर सकते हैं, कंप्रेस पिक्चर कर सकते हैं, चेंज पिक्चर का ऑप्शन मिलता है इसको सेव दे सकते हैं, पिक्चर बॉर्डर को बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, एक आउटलाइन डैशेज वाली दे सकते हैं, पिक्चर इफेक्ट्स लगा सकते हैं, पोजीशन बदल सकते हैं पिक्चर की, इसके साथ साथ हम टेक्स्ट वार्पिंग के माध्यम से इसको इन फ्रंट आप या थ्रू या बिहाइंड में कर सकते हैं, एलिगन के माध्यम से हम इसको रोटेट कर सकते हैं, रोटेट ऑप्शन से भी रोटेट कर सकते हैं इसको, ग्रुप से हम दो शेप्स को ग्रुप करके एक साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, क्रॉप के माध्यम से हम इस पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं यानी कट कर सकते हैं, हाइट और वेट के माध्यम से इसकी साइज को बढ़ा या घटा सकते हैं। अब हम पुनः से जाते हैं इंसर्ट टैब में, इंसर्ट टैब में हमने इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर सबसे पहली कमांड पिक्चर पढ़ी, अब दूसरी कमांड होती है इसमें क्लिप आर्ट। अब क्लिप आर्ट क्या होता है दोस्तों, क्लिप आर्ट के माध्यम से हम इस इमेज को सबसे पहले हम हटा देते हैं और क्लिप आर्ट पे जाते हैं। जैसे ही हम क्लिप पहले समझ लेते हैं कि क्लिप आर्ट क्या होता है, क्लिप आर्ट का यूज हम तभी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में जब हमें हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो,
क्योंकि हम क्लिप आर्ट के माध्यम से एनिमेशन वाली इमेजेस को यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स के पेज पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम देखिए क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमको एक यहाँ पे अलग से एक मेनू खुल जाता है और यहाँ पे क्लिप आर्ट में सर्च का ऑप्शन दिया हो, जैसे यहाँ पे कंप्यूटर देखिए लिखा हुआ है। अब हम जैसे इस कंप्यूटर को लिखने के बाद और वो पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड एनिमेशन पिक्चर्स आ जाएंगे। जैसे ये पहली पिक्चर है, अब इस पिक्चर को अगर हमको अपने इस डॉक्यूमेंट्स के पेज पे इंसर्ट कराना हो तो इस पे डबल क्लिक कर देंगे तो ये पिक्चर देखिए इंसर्ट हो जाएगी। दो आ गई तो बैक स्पेस कर ये हट जाएगी, ये इमेज आ गई हमारे पास। अब इस इमेज को हम छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, जैसा भी करना हो आपको। इसके अलावा अगर आपको कंप्यूटर के अलावा कोई और भी इमेज चाहिए, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में पहले से इंटरनेट की कनेक्टिविटी है इसलिए इमेजेस आ रही है हमारे कंप्यूटर में। जैसे हमने COW हमने काऊ लिखा, काऊ की इमेज लाना चाहते हैं, वो किया हमने, देखिए काऊ आ गई, डबल क्लिक करेंगे काऊ आ जाएगी। इसको भी हम यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, यानी हमको जो भी इमेजेस चाहिए तो हमको यहाँ पे जाके बस टाइप करना है। जैसे CAR कार लिखा हमने, गो करेंगे, ये देखिए कई सारी कार आ गई, डबल क्लिक करेंगे ये कार आ जाएंगी। ये होता है हमारा क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट के माध्यम से हम एनिमेशन पिक्चर्स को लाते हैं। और ये जो मेनू ओपन हुआ था इसको अगर क्लोज करना चाहते हो तो यहाँ क्लोज बटन ये साइड में दिया हुआ है, क्लिक करेंगे ये हट जाएगी। दोबारा हम इंसर्ट टैब पे जाते हैं। अभी तक हमने इलस्ट्रेशंस की पहली कमांड पिक्चर और दूसरी कमांड क्लिप आर्ट के बारे में पढ़ा। अब तीसरी कमांड है शेप्स। अब शेप्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण कमांड है हमारे एमएस ऑफिस वर्ड में, क्योंकि शेप के माध्यम से ही हम एमएस ऑफिस वर्ड में कई सारी चीजें बनाते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे हम शेप के माध्यम से कोई लोगो तैयार कर सकते हैं, कोई सर्टिफिकेट तैयार कर सकते हैं, कोई लेटर तैयार कर सकते हैं, या किसी भी तरह के अलग अलग एनिमेशन की इमेजेस को भी बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम शेप के माध्यम से बनाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं शेप के माध्यम से आपको एक अपने आईटी स्किल्स का लोगो क्रिएट करके दिखाता हूँ और उस लोगो को आपको बनाना बताता हूँ किस तरह से हम एक लोगो क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने सेव पे क्लिक किया। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कई सारे हमको देखिए रेक्टेंगल, यानी कई सारे टूल्स, रेक्टेंगल ये सब इनके नाम है, ये कई सारे टूल्स हैं हमारे। इन टूल्स को इस्तेमाल करते हैं हम सर्टिफिकेट बनाने या लोगो बनाने या लेटर हेड बनाने कई सारी चीज़ों के लिए। सबसे पहले हम एक आईटी स्किल्स का लोगो तैयार करना है, तो कैसे लोगो तैयार करेंगे देखिए यहाँ पे। सबसे पहले हम जाएंगे एक डोनट का जो है टूल्स लेंगे, डोनट पे क्लिक किया और इसको हम शिफ्ट की बटन को दबा के रखेंगे और लेफ्ट साइड के माउस के पॉइंटर को दबा के फिर ड्रैग करेंगे। क्यों शिफ्ट की बटन को दबाते हैं? क्योंकि जो हम डोनट लेने वाले हैं यानी जो शेप आएगा हमारा वो पूरा बराबर आएगा गोलाकार में, तो शिफ्ट की बटन को दबा के लेफ्ट साइड के माउस के पॉइंटर और ड्रैग कर देंगे हम, जितना बड़ा चाहते हैं उतना ड्रैग कर दें। ये हमने ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद इसको थोड़ा सा हम नीचे की ओर सेट कर देंगे। ये हमारा एक पूरा डोनट आ चुका है, यानी सर्कल आ चुका है। अब इस सर्कल के अंदर हम कुछ लिखना चाहते हैं, यानी जैसे हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है आईटी स्किल्स कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर रीवा, तो हम इसको शॉर्ट में जैसे लिखते हैं आईटी स्किल्स रीवा। तो आईटी स्किल्स रीवा लिखने के लिए हमें जाना पड़ेगा पुनः से इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद हमको देखिए हमारे टेक्स्ट ग्रुप के अंदर मिलता है एक वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे और वर्ड आर्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे अलग से कई अलग अलग प्रकार के वर्ड आर्ट के यहाँ लिखे हुए वर्ड्स हमको टेक्स्ट दिखाई देते हैं। जैसे हमको ये तीसरे नंबर वाला वर्ड आर्ट यहाँ पे क्लिक करके ले लेते हैं और यहाँ पे बैक स्पेस दबाएंगे, ये वो टेक्स्ट हर जहाँ पे लिखा है, मतलब है कि यहाँ पे आप लिखिए, बैक स्पेस से इसको मिटा देंगे। अब इसकी साइज को हम घटा या तो बढ़ा सकते हैं, यहाँ से बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक करना चाहें इटैलिक कर सकते हैं, फॉन्ट अलग अलग यहाँ से बदल सकते हैं हम, फॉन्ट को बदलना चाहें अगर तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसकी साइज को 36 ही रखते हैं और यहाँ पे हम जो है तो बोल्ड रहने देते हैं इसको, पहली चीज तो। दूसरा यहाँ से साइज में इसकी फॉन्ट को बदल लेते हैं और अब लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पे पूरा कैपिटल में लिख लेते हैं आईटी स्किल्स रीवा।
अब हम अगर इसको बदलना चाहते हैं, अलग किसी फॉन्ट में करना चाहते हैं, अलग फॉन्ट में कर सकते हैं, या बोल्ड करके रखना चाहते हैं तो बोल्ड, हमने बोल्ड कर लिया है, ओके करेंगे, ये आ गया यहाँ पे। अब इसको हम देखिए पकड़ के यहाँ लाना चाह रहे हैं इस बॉक्स पे, पर ये आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि एक जगह अभी फिक्स है। तो अब इसको फिक्स से हटाना है, तो मैंने पहले ही बताया था कि टेक्स्ट वार्पिंग का ऑप्शन मिलता है हमको। टेक्स्ट वार्पिंग के ऑप्शन पे जाके हम यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट क्यों करते हैं? क्योंकि इस शेप के ऊपर हमको इसको लाना है। तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट क्लिक करेंगे और इसको पकड़ के अब हम क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे। ये ड्रैग कर दिया हमने, ये आ गया। अब इसको पकड़ के क्या करेंगे, नीचे की ओर खींचेंगे। ये देखिए शेप में बदल रहा है, और इसको और थोड़ा सा अंदर लाएंगे, ऐसे इधर से भी इसको अंदर करेंगे। ये देखिए ये पूरा अंदर आ चुका है, ठीक है। अब इसको अगर ऊपर ले जाना है तो ऊपर ले जा सकते हैं, थोड़ा सा आप सेट करेंगे और थोड़ा सा नीचे, ये सेट हो गया। ये इसके बाद अगर अभी हमको इसको इसके अंदर हम ये हमने लिख लिया आईटी स्किल्स रीवा, इसमें और भी सेटिंग करना चाहें तो और थोड़ा सा अंदर बाहर कर सकते हैं, या लग रहा है कि हमारा पेज जो है, जो वर्ड है, ये ज्यादा लूज यानी बाहर है, तो देखिए यहाँ पे स्पेसिंग का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको टाइट कर सकते हैं। टाइट के अलावा आप चाहते हैं कि लूज हो जाए और, तो वेरी लूज कर सकते हैं, या तो आप वेरी लूज हो जाएगा, बदल जाएगा एकदम से, या वेरी टाइट करना चाहें तो बहुत क्लोजली हो जाएंगे ये, ठीक है। या तो यहाँ पे सिर्फ आप टाइट कर दीजिए, क्योंकि वेरी टाइट में ज्यादा क्लोज दिख रहे थे। अब हमने लिख लिया आईटी स्किल्स रीवा। अब इसके बाद जो है हमको नीचे यहाँ पे लिखना है सेंटर, तो इसके लिए हमको फिर से जाना पड़ेगा इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद हम वर्ड आर्ट पे जाएंगे। वर्ड आर्ट पे जाने के बाद पुनः से हम वर्ड आर्ट यहाँ से ले लेते हैं। अब हम ये वाला वर्ड आर्ट ले लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं CENTER और ओके करेंगे। इसके बाद फिर से इस पे ये सेलेक्ट है ऑलरेडी, इसको ये नीचे लाने के लिए टेक्स्ट वार्पिंग पे जाएंगे और इसको भी इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे और इसको पकड़ के ये यहाँ पे हम सेट करेंगे। ये हमने सेट किया, सेट करने के बाद ये हमने सेट किया। अभी ये देखिए शेप पे नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे शेप चेंज का ऑप्शन हमको दिखाई देता है, तो शेप चेंज पे क्लिक करेंगे और इसके शेप को हम ऊपर की ओर मूव कर देंगे, क्योंकि इसको हमको यहाँ पे ऊपर की ओर सेट करना है। ये हमारा सेट हो गया। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और ऊपर ले जाना है इसको, ये पूरा सेट हो गया। अब इसके बाद देखिए अभी भी बीच में इसमें यहाँ स्पेस हमें दिख रहा है, यहाँ भी कुछ भरना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुनः हम इंसर्ट टैब पे जाते हैं और इस बार हम जाएंगे शेप में। शेप में देखिए हमको कई सारे स्टार यहाँ पे मिल जाते हैं, दिख रहे हैं स्टार, यहाँ से हम स्टार रखना चाहते तो ये वाला स्टार रखना चाहते, इसको क्लिक किया और यहाँ पे माउस को पॉइंटर लाएंगे और शिफ्ट की बटन को दबा के लेफ्ट साइड के माउस को पॉइंटर दबा के रखेंगे और ड्रैग करेंगे। ये ड्रैग कर दिया हमने, ये ड्रैग हो गया, इसको पकड़ के यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ भी रखना है और इसके बराबर के आकार का रखना है, तो कंट्रोल की बटन को दबा के रखिए और लेफ्ट साइड के माउस को पॉइंटर को दबा के रखिए और पकड़ के ड्रैग करिए। अब देखिए ये इसका डुप्लीकेट बन जाएगा, ये इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। हाँ हाँ, छूट रहा है बार बार, इसको दोबारा से कोशिश करते हैं। ये इसका डुप्लीकेट बन गया। ये देखिए हमारे पास दो स्टार आ गए हैं, यानी कंट्रोल की बटन को अगर हम दबा के रखते हैं और कंट्रोल की बटन और लेफ्ट साइड का माउस को पॉइंटर और फिर ड्रैग करते हैं, तो हमारा जो ये स्टार होता है या कोई भी टेक्स्ट होगा वो डुप्लीकेट हो जाता है, नहीं एक कॉपी बन जाती है उसकी। अब हमको इनको कुछ कलर देना है, कलर देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए कलर देंगे। कलर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, जो ये हमने सबसे पहले डोनट वाला सर्कल लिया था, डबल क्लिक करेंगे और ये शेप फिल दिखेगी। शेप फिल से हम कलर फिल कर सकते हैं इसके अंदर, तो हम जो कलर फिल करना चाहें वो कलर फिल कर सकते हैं, जैसे हमने येलो कलर फिल कर दिया इसके अंदर। अब स्टार को भी कलर देना चाहते हैं कोई, तो स्टार को कोई कलर दे देते हैं। ये दोनों साइड स्टार को हमने एक सेम कलर दिया है। इसके बाद ये सेंटर में हम कोई दूसरा कलर देना चाहते हैं, सेंटर पे क्लिक करके यहाँ पे दूसरा कलर दे देंगे सेंटर को भी, जो कलर आप देना चाहें। अगर आप ये ब्लैक कलर से टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको कोई और कलर देना चाहते हैं, कोई और कलर दे सकते हैं जो आपको कलर पसंद हो, ठीक है। ये
ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट हमने कम किया था इसका, इसलिए ये थोड़ा सा ज्यादा भागता हुआ इधर उधर दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। और अब यहाँ बीच में देखिए ये खाली खाली हमें लग रहा है, तो बीच में जो खाली खाली लग रहा है हम चाहते हैं उसको भी एडजस्ट करना। तो उसको एडजस्ट कैसे करेंगे, इस वाले भाग को कैसे हम फिल करेंगे, उसको फिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट में मिलेगा हमें क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम, चूंकि कंप्यूटर से रिलेटेड मेरा इंस्टीट्यूट है तो उसी से रिलेटेड कोई हम लोगो लगाएंगे, तो यहाँ पे हम गए और यहाँ हमने लिख दिया कंप्यूटर और यहाँ पे वो करेंगे। ये देखिए कंप्यूटर वाली इमेज आ गई, इस पर डबल क्लिक कर देंगे, एक इमेज को हटा देते हैं, एक इमेज लेते हैं। अब इस इमेज को यहाँ पे लाना है तो क्या करेंगे हम दोस्तों, सबसे पहले टेक्स्ट वार्पिंग पे जाएंगे और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और इस इमेज को पकड़ के यहाँ पे हम ड्रैग करेंगे और ये छोटे वाले इससे इसको छोटा कर लेंगे इमेज को, और यहाँ पे हम इमेज को सेट कर देंगे, थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं इस इमेज को, और यहाँ से हम इंटर कर देते हैं या कहीं भी सेट कर सकते हैं। देखिए हमने जैसे ही हमने इस पर पकड़ के इसको ड्रैग किया तो ये बाकी चीजें यहाँ रह गई, ये अलग आ गया। अगर ऐसा आपके साथ भी हो तो कंट्रोल प्लस जेड करके अंडू कर दीजिए, वो फिर से वहीं चला जाएगा। देखिए जैसे मैंने बताया था ग्रुप वाला ऑप्शन, ग्रुप ग्रुपिंग कर दें तो ये सब इकट्ठा हो जाएंगे, फिर हम कहीं भी लेके जाए ये सब एक साथ जाएंगे, फिर ये अलग अलग नहीं जाएंगे। तो इस तरह से हम देखिए एक लोगो डिजाइन कर सकते हैं, किसके माध्यम से, इंसर्ट में जाके सेप के माध्यम से, सेप के माध्यम से एक हम अच्छा बेहतर लोगो डिजाइन कर सकते हैं। अभी तक हमने इलस्ट्रेशंस की तीन कमांड्स के बारे में पढ़ा और तीनों कमांड्स हमें समझ में आई होंगी। इसी तरह आगे के हम अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सर्टिफिकेट बनाना आपको बताएंगे, लेटर बनाना बताएंगे, जिसमें अलग अलग आईडी कार्ड बनाना बताएंगे। इसी तरह कई सारी चीज़ें हैं जो सेप के माध्यम से बनाई जाती हैं हमारे वर्ड के डॉक्यूमेंट्स में, उसको उसके लिए मुझे अलग वीडियो बनाने पड़ेंगे पर्टिकुलर, जैसे सर्टिफिकेट का है तो सर्टिफिकेट का वीडियो, और आई कार्ड का है तो आई कार्ड का वीडियो, इनके मैं अलग अलग वीडियो बना के चैनल पर डालूंगा, आप लोग उनको आसानी से देख सकते हैं और स्वयं क्रिएट कर सकते हैं और आसानी से आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं। इलस्ट्रेशंस ग्रुप की बची दो कमांड्स स्मार्ट आर्ट और चैट, इसको भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें स्मार्ट आर्ट और चैट के दोनों के एक साथ वीडियो होंगे, उसमें मैं आपको प्रॉपर तरीके से बेहतर समझा पाऊंगा, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप देखना पसंद नहीं करेंगे इस तरह के वीडियो को। चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, खुश रहिए आप सब और अच्छे से पढ़िए और समझिए और इसको देख के आप प्रॉपर तरीके से एमएस ऑफिस वर्ड में लोगो बनाना, पिक्चर इंसर्ट करना, क्लिप आर्ट्स एनिमेशन पिक्चर लाना, इन चीज़ों को आप सीखिए।